नाज़रीन, नशे में मुब्तला होकर एक इंसान इंसानियत के दर्जे से किस कदर नीचे गिर जाता है, ये जानने के लिए हमारे साथ है एक नशई, नाम है उसका गुलजार गोली। वालेकुम। शाबाशी। और बावियों से तो नशई कह देता है ये। मैंने नहीं कहा, उनसे बात करें। बावियों, ओ जनाब, हमारा भी चंद मौजूद लोगों में उठना बैठना है। ये अलहदा बात है कि ज्यादा बैठना है, उठना कम है। और उठना बैठना भी ऐसा है कि बैठ जाए तो उठा नहीं जाता, उठ जाए तो बैठा नहीं जाता। मगर चलो, फिर भी बंदा सीधा नशेई तो नहीं ना कह तो। और क्या कहूँ यार, सरकार आपको अच्छा सा तारीफ करें, ये कह दे कि सिगरेटों के डॉक्टर जनाब गुलजार गोली साहब। चलो डॉक्टर ज्यादा नहीं सूट करता, तो सिगरेटों का मैकेनिक ही कह दें आप। मैकेनिक किस बात को यार तुम? ये देखे तो सही, सरकार सारा इंजन खोल के रख दिया है, मैकेनिक नहीं तो और क्या हूँ। ये क्या कर क्या रहे हैं आप? हैं जी, ये कर क्या रहे हैं आप? सिगरेट की मालिश कर रहा हूँ जी। गल करके इधर उधर किधर हो जाती है। गुलजार साहब, ये आपका नाम गोली कैसे पड़ गया? बस ये ताए मेरे ने नाम रख दिया जी गोली। कहते तुम गोलियां बड़ी कराते हो। मैं गया हूँ उसकी तरह, मैंने कहा ताया 200 रुपया दे दो, मेरी जेब कट गई है। अच्छा। कहते पिछली दफा भी आए थे तो तुम्हारी जेब कट गई थी, अब फिर कट गई है। मैंने कहा फिर कट गई है? मैंने कौन सा जेब पे ताला लगवा लिया, वो कट गई है। कहते तेरा नाम गोली सही है बस। एक मिनट यार, फोन मेरा किधर गया? ये बेल हो, हाँ जी, हाँ आ रहे हूँ आ रहे हूँ। नहीं नहीं, मैं जरा डॉक्टर के पास आया हूँ दवाई लेने के लिए। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, लिखो लिखो तो उसका लिखो तो। आ रहे हैं अम्मा, आ रहे हैं। इस तरह ये लोग झूठ के आदि हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बैठे ना, गल करा मैं? और नहीं, बीमार ने डॉक्टर साहब वो अंदर, तो मैं नहीं गल कर। यार पैसे तुम्हारी जेब में नहीं है और मोबाइल रखा हुआ तुमने? ओ भाई, ये मैंने खरीदा नहीं है, ये तो मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कह रहा था कि यार तुम मेरा फोन ही नहीं उठाते। मैं तुम्हें इतना फोन करता हूँ, फोन क्यों नहीं उठाते मेरा? अच्छा। बस फिर एक दिन उसका ध्यान इधर उधर हुआ, मैंने फिर उसका फोन उठा लिया। देखिए सर, झूठ भी चोरी भी और क्या कुछ इनको और करना पड़ता है अपना नशा पूरा करने के लिए। अरे तो फिर क्या करें, नशा महंगा थोड़ा हो गया है, सारा पाकिस्तान शोर में जा रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया है, सब्जी महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई है। ये कोई मुतालबा नहीं कर रहा कि यार नशा भी बड़ा महंगा हो गया है, इसकी तरह भी कुछ ध्यान दियो। तो आप कोई काम शाम नहीं करते? काम ही करन दे और कुराड़े मारन दे। काम ही जे जेड़ा मेरे हथों दे है। तो फिर खाते कहाँ से हो? इथों। एडा भी मैं नशा ही नहीं कि बुरकी नक ची पा लवा। इधर नाक नहीं होता। और नक किधर गई है दसो? जेब तो कटी गई सी, नक भी कटी गई है। और काश तो ये समझ आ जाए कि इस खेल में नाक काटी जाती है। किस खेल में? मैं क्रिकेट से जुआ ला बैठा। यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कभी शर्म नहीं आई? आती है, मैं महसूस नहीं करता। असल में बात ये है भाई जी के, या अल्लाह खैर दसो, सारा मुल्क एवं पागल अंगर चिकन डे है कि गैस मुक गई, गैस मुक गई, दिवे को कितनी गैस है। वाह वाह। एक मिनट, आप यहाँ पे सिगरेट ना जलाइएगा प्लीज। क्यों जी, थे पेट्रोल पंप पे बैठे। अच्छा यार गुलजार, ये बताओ नशा लेते कहाँ से हो? क्या भाई जी, सरकार इस मुल्क की केड़ी गली चो नहीं लभदी। हुण ते कुत्ते नु इट मारो ते ओ कहिंदा भाई चर्चे दी उते गल करे, टंग क्यों मारन दे? मुझसे क्यों बात करें, उनसे बात करें? है जी। तो तुझी सवाल करके यार जगह क्यों बदल रही है? ये नशा बेचने वालों ने तो जनाब होम डिलीवरी सिस्टम भी रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये होटलों वालों ने बाद में शुरू किया, पहले हमारे नशे ही रात ने ये शुरू किया। अच्छा, ये नशा शुरू क्यों किया तुमने यार?
बस बहू जी, एक लंबी और दुखी स्टोरी। बताओ तो सही। वो एक जगह पे मेरी मंगनी हुई थी। अच्छा। मुझे भी उससे मोहब्बत थी। हाँ। और मैंने अपनी अम्मा से कहा कि इधर मेरी शादी कर दो। अम्मा ने कर दी मेरी मंगनी उधर। बस उसका अब्बा कहते जी ये फारग है, वेला काम कोई नहीं करता। अच्छा। उसने मंगनी तोड़ दी। ओ। बस फिर मैंने उस लड़की को बुलाने के लिए नशा शुरू कर दिया। क्या नाम था उसका? यार उसका नाम था, दसो यार, मैं उदा नाम भुलाना चाहना यार, मैनू याद ही नहीं आन दे यार। क्या नाम था यार? आपको इस बात का एहसास है कि आप अपने माँ बाप का सहारा हैं और आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे सहारे की नहीं जरूरत है। अम्मा अब सोटी के सहारे चलती है। अब्बा वैसे ही फौत हो गया हुआ है। बस एक ही दुख है जिंदगी में कि मैं अपने अब्बे के जनाजे को कंधा नहीं दे सका। क्यों? बस मल्ले वाले कहते थे यार मैं मंजी छोड़ देगा इन पर मारो ना मरा। कितने अफसोस की बात। अब रोज जाता हूँ मैं अब्बे की कब्र पे। अच्छा। उधर 5-6 दोस्त बैठ के अब्बे की कब्र पे फिर अफसोस भी हुई। तुम्हें जरा भी शर्म महसूस नहीं हो रही? वो चल यार ये नहीं महसूस हो रही थी, दफा कर इस गल नू, तू तो पीछे पे आ गई। अच्छा, ये बताओ कभी नशा छोड़ने के बारे में सोचा है? एक दो दफा सोचा है, पर वो जिससे मैं खरीदता हूँ ना नशा, वो कहता है कि गोली शहजादे नशा ना छटी नहीं तो मर जाएगा। तो अब कौन से जिंदा हो यार? बहुत अच्छे जिंदा ही है भाई जी, मेरे नाक च रूं तो नहीं या मेरे अंगूठे बने ने? बहुत अच्छे, तुसी गलबात वास्ते बुलाया या डराने वास्ते बुलाया? मैनू तो इसलिए एंकर घट तो गोरकन ज्यादा लगे यार। नज़ीम, ये था आज का हस्बेहाल। खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, उन्हें गुस्से च मुकाई देता है।